माओबाद जिले में बीते 4 महीनों से वेतन न मिलने से आक्रोशित सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर नगर पालिका के मुख्य गेट में बैठकर पालिका के अंदर मौजूद SDM सहित सभी पालिका कर्मियों को बंधक बना लिया। हालांकि SDM ने आक्रोशित सफाई कर्मियों के पास पहुंचकर वेतन जल्द दिलवाने का आश्वासन दिया, लेकिन सफाई कर्मी जब तक पूरा वेतन नहीं तब तक गेट से न उठने की बात कहकर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। वहीं पूरे मामले में SDM ने सफाई कर्मियों का सत्यापन कराकर समस्या के जल्द निस्तारण की बात कही है। मामला महोबा जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिसर का है, जहां नगर पालिका के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सफाई कर्मी बीते 4 माह से वेतन न मिलने से आक्रोशित होकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पालिका के मुख्य गेट में बैठकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सफाई कर्मियों द्वारा नारेबाजी कर पालिका परिसर में मौजूद सभी कर्मचारी अधिकारियों को पालिका के अंदर ही बंधक बनाकर मुख्य गेट को जाम कर दिया गया। नारेबाजी सुनकर परिसर में मौजूद प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महोबा SDM सदर राजेश कुमार यादव ने सफाई कर्मियों के पास पहुंचकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन सफाई कर्मी ने जब तक वेतन नहीं तब तक गेट से न हटने की बात कहकर SDM को बैरंग वापस कर दिया। वहीं पूरे मामले में SDM सदर राजेश कुमार यादव ने वेतन में देरी की बात को स्वीकारते हुए कहा कि शिकायतों के चलते सफाई कर्मियों का सत्यापन कराया जा रहा था, जिसके चलते वेतन में देरी हुई है। सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है, आज इनका वेतन मिल जाएगा। हम नगर पालिका में बैठे हम सभी कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी, घर घर जाकर हम लोगों ने गंदा काम किया हुआ है, घर घर जाकर गंदगी उठाई है लोगों की, पर आज हमारी हम लोगों का गंदगी उठाने वालों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। 4 माह का वेतन है, झूठे आश्वासन झूठे वादे करके हमें 4 माह से लटकाया जा रहा है, और जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा सर, हाथ जोड़कर प्रशासन से यही निवेदन है कि जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यही धरने पर 10 मिनट बैठेंगे, भू हड़ताल करेंगे, जब चाहे हमें अन्न त्याग कर जल त्याग कर हमें अपने प्राण क्यों ना देना पड़े, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा। किस जगह बैठे हैं? हम नगर पालिका में ही बैठे हैं, हमें नगर पालिका से मतलब है, नगर पालिका ने काम कराया। SDM साहब ने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया था, जो कि आज 4th दिन है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कह रहे हैं 1 माह का ले लो, बजट नहीं है। सर गरीब आदमियों को बजट सुनाया जा रहा है क्यों? हम सर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, हम प्राइवेट संस्था से काम करते हैं, 5,000 रुपए हमारी सैलरी मिलती, 5,000 देने वालों को बजट बजट के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है मजदूरों के साथ, मजाक उड़ाया जा रहा है सर मजदूरों के साथ। वेतन ठेकेदार देता है नगर पालिका देती है? हमारा वेतन नगर पालिका से आता है ठेकेदार के पास, तब ठेकेदार हमें वितरित करता है, नगर पालिका हमारा पैसा यहाँ से ठेकेदार को दे तो ठेकेदार हमें देगा। अभी नगर पालिका नहीं, नगर पालिका ने 4 माह से 1 रुपए नहीं दिया, धोखाधड़ी हो रही है मजदूरों के साथ, शोषण हो रहा है गरीब आदमियों के साथ। ऐसा तो नहीं कि ठेकेदार ही आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा हो? जब नगर पालिका में SDM सर ने कह दिया कि यहीं से नहीं हुआ है तो हम ठेकेदारी कैसे मान लें, बताइए आप। जब SDM साहब कह रहे हैं कि 4 महीने से यहाँ कोई पैसा आपके पास नहीं गया है तो ठेकेदार की हम गलती नहीं मानते। अगर ठेकेदार की सर की हमारे सर जहाँ संस्था में काम कर रहे हैं हमारे ठेकेदार के पास अगर 1 महीने का भी बजट पास हुआ होता हमारे नगर पालिका से तो वो तुरंत पैसे बांटते और हम लड़कर ले लेते, पर जब नगर पालिका से ही वेतन नहीं हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, बताइए। वेतन निर्धारित है आपके ठेकेदार के यहाँ से? आप लोग हमारे ठेकेदार से निर्धारित वेतन है हमारे सभी कर्मचारियों का जो काम करते हैं 5,000 रुपए, और झूठे वाले झूठे घोंसले देकर 9,000 हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी, 5,000 रुपए में आप बजट सुना रहे हैं SDM साहब हमारे, 5,000 रुपए झूठा वादा कौन करता है? झूठा वादा सभी करते हैं, चेयरमैन साहब ने झूठा वादा किया, आश्वासन दिया, और जो पूर्व डीएम है उनके पास हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोग साल भर से दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, मैं साल भर से टाइम से वेतन नहीं हुआ, क्योंकि आज 4 माह से वेतन आज रुका हुआ है, जो कि त्यौहार है, घर में हमारी आर्थिक तंगी है, हम अपने बाल बच्चे किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं वो हम ही जानते हैं। बंधक नहीं, उनकी मांगे थी, उसी मांगों के क्रम में उनको वेतन नहीं मिला था, तो कल रात में इनके द्वारा सत्यापन कराया गया संयुक्त रूप से, सत्यापन आपके कल रात में प्राप्त हुई है, उसी के अनुसार सत्यापन के अनुसार इनका वेतन बनाया जा रहा है, और शायद आज मनकर तैयार होकर उनके खाते में भी प्योर एसोसिएशन एसोसिएट से उसके खाते में चला जाए। सर वेतन विलंब का कारण क्या है? इसमें जो है कुछ शिकायतें हुई थी, उसकी जांच कराई गई थी, कमेटी गठित की गई थी, साथ ही में कंपनी की अर्वेश्वर द्वारा कहा गया कि संयुक्त रूप से भी जांच करा ली जाए, तो उसकी ये संयुक्त रूप से जांच कल प्राप्त हुई है हमें, तो उसी के क्रम में इनका वेतन बनाया गया। धुआं धुआं सही है शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।